पब्लिक टीवी आपकी आवाज। परफेक्ट एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से फेमस इंस्टीट्यूट में NIOS के सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, जिसमें उनको फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का परीक्षा फल 14 जून को घोषित किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट में हिफ्जा महक 81%, मिसवा फातिमा 80.8%, अराफात आदिल 78%, मदीहा गुफरान 72%, साइंस स्ट्रीम से शीजा फहीम ने 70% अंक प्राप्त किए और हाई स्कूल में 69%, मंतशा अनवर मक्की हुसैन ने 65% अंक हासिल कर गौरव बढ़ाया। जहीमुद्दीन, फायजा जावेद, अरमाना नासिर, माजिया रहमान, इल्मा शादाब, फाइक हुसैन, श्रुति महेंद्रू, आशीष शर्मा, अबू बकर शमसी, शाइना ने प्रथम श्रेणी हासिल कर NIOS में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। संस्थान शीघ्र ही इन सब विद्यार्थियों को पुरस्कार समारोह का आयोजन करके पुरस्कार द्वारा सम्मानित करेगा। परफेक्ट एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सनफ शमसी ने कहा कि संस्थान हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर NIOS के सफल विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाता है। पिछले 5 वर्षों से यह सफल आयोजन होता आ रहा है। कार्यक्रम में कानूनी सलाहकार मोहम्मद ताहिर हसन एडवोकेट ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर उनकी प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास किया। स्वागत कार्यक्रम में शरीक उस्मानी, अमित सक्सेना, मोहम्मद नाविद, मोहम्मद आलम, सैयद फैज अली, राजवीर सिंह, रयान खुसरो, फौजान अहमद, सायमा शमसी, राहुल मिश्रा आदि उपस्थित रहे। I am very thankful for to my parents and my teacher, Sanusha especially. He guides me very much and I am so thankful. Thank you so much. Big thanks out for Sanusha and Thais and also because we were very supportive. Every situation, every understanding, Mantu बता नहीं सकती, Mantu इतनी तारीफ करती है इन सबकी कि कोई लफ्ज नहीं है उनके पास कहने के लिए. He is very सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड सबसे पहले एग्जाम में हमें कभी भी डिमोटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. कोई से भी एग्जाम हो, 10th 12th एवरी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, BSc, BCom, कोई भी हम कितने भी बड़े लेवल पर पहुँच जाए कभी भी हमें डिमोटिव नहीं होना चाहिए. जहाँ बच्चा डिमोटिव होता है वही बच्चा गिर जाती है उसकी पोजीशन. हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा आपके नंबर अच्छे आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप सोचेंगे आपका टारगेट ये है कि हमारा 80% आना चाहिए, तो बच्चे का परसेंटेज आता है 60 अबव. और अगर आप सोचेंगे हमें 100% देना है, जब जाकर आपके 90-95% आता है. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सनफ सर का, बात थैंक सर का जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इज्जत राही की नवाजा. उसके बाद जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं और उनके गार्जियंस, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप की इज्जत रखी और जो उनका एक सपना था कि हाई स्कूल में मेरी बेटी अच्छे नंबर से पास हो, उसको पूरा किया. देखिए आज NIOS का अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, जिसमें सनफ सर बच्चों को बहुत गाइड करते हैं और परफेक्ट एजुकेशन सोसाइटी की ओर से जो अध्यक्ष हमारे सनफ शमसी साहब हैं, उन्होंने उन बच्चों को बुलाया था जिन बच्चों ने बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है. हाई स्कूल और इंटर दोनों ही विद्यार्थी यहाँ पर आए थे और जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर, यानी कि 80 something या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए विद्यार्थी, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया गया है और उनको विशेष दी गई है भविष्य में वो आगे अच्छे से अच्छे नंबर लाए. और हमारे परफेक्ट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा हमारे अध्यक्ष सरपंची साहब ने घोषणा भी की है कि वो जल्द ही एक कार्यक्रम सम्मान समारोह कराएंगे, जो कि वो पिछले 5 वर्षों से लगातार NIOS के विद्यार्थियों जो अच्छे नंबर पर फेल होते हैं उनको सम्मान कर रहे हैं. जबकि मैं आपको अपनी बात को रोकते हुए बताता हूँ चलूँ कि अब तक जितनी संस्थाएं मुरादाबाद के अंदर हैं वो सम्मान समारोह कैसे हुए
सी स्कूल हो, ICSE स्कूल हो या फिर यूपी बोर्ड हो, उन तो आपने उनके बच्चों का सम्मान तो सुना होगा, लेकिन NIOS के बच्चों का सम्मान कोशिश और प्रयास और सफल प्रयास सरासर पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है जिसमें उन बच्चों को सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान समारोह उम्मीद है कि 14 नवंबर में अनुमानित डेट है, आगे पीछे होगी, सूचना दी जाएगी तो उसमें विद्यार्थियों का सम्मान समारोह किया जाएगा। आज उन सब बच्चों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया गया और उन बच्चों को बहुत खुशी हुई जिन बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं और सनफ सर के गाइडेंस में उन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं। उम्मीद करेंगे कि सर के जो बच्चे हैं आगे और आगे बढ़ेंगे और बच्चे नंबर लाइन लेकर आएंगे। ये सारा कार्यक्रम फेमस इंस्टीट्यूट आत्मनिर्भर ब्रांच में आज हुआ है और आपके सामने हम उन बच्चों की हौसला अफजाई भी की है, साथ में हमारे साथ के कई लोग जुड़े रहे जिन्होंने अपने हाथों से फूल मालाएं देकर उन बच्चों को शुभकामनाएं दी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।